बिहार विधानसभा में आज उद्योग विभाग के बजट पर चर्चा हुई और विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों की चर्चा के बाद सरकार के तरफ से उत्तर भी हुआ। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो बजट है उसके बारे में बताया और जो कई महत्वपूर्ण योजना है, खासकर बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 की चर्चा की और इसके तहत 431 आवेदन मिलने की बात भी कही, जिसमें से 405 आवेदन की स्वीकृति दी गई है और इसमें जो प्रस्तावित निवेश है वो 8,500 करोड़ से अधिक का है। ऐसे बीजेपी सदस्यों का साफ कहना था कि बिहार में अपहरण उद्योग फल फूल रहा है, यहाँ कानून व्यवस्था चौपट है, कोई उद्योग नया लग नहीं रहा है। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने तो कहा कि जब तक कृषि मंडी व्यवस्था को उद्योग से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक जो कृषि का है वह विकास नहीं होगा, फूड प्रोसेसिंग की इकाई लगेगी नहीं, तो उस पर काम करने की जरूरत है। देखिए, कहीं कोई काम नहीं हो रहा उद्योग विभाग में, यहाँ बिहार में सिर्फ अपहरण उद्योग चल रहा है, जहरीली शराब का फैक्ट्री चल रहा है, अवैध हथियार का फैक्ट्री चल रहा है, उद्योग में यही बड़ा हो रहा, बाकी कोई उद्योग में काम नहीं हो रहा बिहार में। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि निश्चित तौर पर उद्योग में काम होगा और हमारे जो मंत्री महोदय समीर महासेठ है वो बहुत ही सतर्क है इस मामले में। मुझे पूरी उम्मीद है कि उद्योग लगेगा और बिना उद्योग के तो बिहार तरक्की नहीं कर सकता, युवकों को रोजगार नहीं मिल सकता। इसलिए अगर केंद्र सरकार आप पर ध्यान नहीं दे रही है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है, निश्चित तौर पर यहाँ उद्योग लगेंगे और बिहार का विकास होगा। कृषि क्षेत्र को उद्योग से जोड़ने की जो बीच की जो कड़ी है वो है मंडी। जब तक मंडी व्यवस्था नहीं होगा आप उसको उद्योग से नहीं जोड़ सकते। उद्योगों के लिए जो जरूरी जो कच्चा माल है वह कच्चा माल मंडी के ही जरिए आता है, तो उस मामले में तब तक विकास नहीं होगा जब तक कि मंडी की व्यवस्था न हो। और जब ही मंडी की व्यवस्था होगी उद्योग का रफ्तार बढ़ जाएगा। बिहार में जो सबसे ज़्यादा संभावना वाला क्षेत्र है वो है हमारा फूड प्रोसेसिंग, उसी में खाद्य पदार्थों के विनिर्माण के ही जरिए हम इस बिहार में इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं, उसके लिए मंडी बहुत ज़रूरी है। वो सवाल अभी भी अनुत्तरित है यहाँ, जब तक उसका बिहार हल नहीं ढूंढेगा बिहार में उस स्तर पे इस उद्योग विकसित नहीं होगा जितना लोग कल्पना कर रहे हैं। उद्योग विभाग के बजट को लेकर न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष का साफ कहना था कि जब तक बिहार में उद्योग लगेगा नहीं तब तक रोजगार के अवसर बढ़ेंगे नहीं, इसलिए उद्योग पर जोर देना है और उसके लिए कानून व्यवस्था बेहतर बनाना होगा। कैमरामैन अशोक के साथ अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।